वसुंधरा राजे मिशन उपचुनाव पर हैं, जिसके तहत सीएम अलवर के खैरथल पहुंची, जहां हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव और मंत्री हेम सिंह भदाना सहित विधायक, कलेक्टर और एसपी ने मुख्यमंत्री की अगवानी यहां पर की। वहीं पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक संगठनों से जनसंवाद किया। इस दौरान विधायक रामहेत यादव और पार्टी जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा मौजूद रहे। गौरतलब है कि अलवर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर सीएम राजे जनसंवाद के जरिए मतदाताओं की नब्ज टटोल रही हैं। राजे ने अलवर लोकसभा की सभी विधानसभा में जनसंवाद पूरा कर लिया है। अलवर लोकसभा के लिए उपचुनाव होना प्रस्तावित है। इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से इन दिनों जनसंवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। खैरथल में आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विभिन्न समाजों के लोगों से मुलाकात कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अलवर की शेष विधानसभाओं में भी जनसंवाद किया है और इन जनसंवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री अलवर में भारतीय जनता पार्टी और सरकार की योजनाओं का माहौल बना रही है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीते और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। कुल मिलाकर जनसंवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कैमरा पर्सन तरुण के साथ में अलवर से चंद्रशेखर शर्मा, A1 TV। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खैरथल से हमारे एवन संवाददाता चंद्रशेखर हमसे जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री का वहां पर भव्य स्वागत किया गया है, अब आगे उनके क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, वसुंधरा राजे की ओर से इन दिनों अलवर में जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत सीएम आज खैरथल पहुंची है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया है। फिलहाल सीएम राजे किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंवाद कर रही है और सरकार की योजनाएं और पार्टी के लिए फीडबैक ले रही है। जी चंद्रशेखर, डॉक्टर जसवंत भी वहां पर मौजूद हैं। अभी कल ही उन्होंने जो है प्रेस वार्ता में अपनी उपलब्धियां गिनाई थी, तो इसको किस तरह से मतलब वहां पर कह सकते हैं कि नेताओं का मजमा जुटा है, तो चुनावी नजरिए से इसको किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल, जो डॉक्टर जसवंत यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किस तरह उनके विभाग में और सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, सरकार की विभिन्न प्रकार की श्रमिकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जानकारी दी गई। क्योंकि अलवर में उपचुनाव होने हैं और अलवर से ही डॉक्टर जसवंत यादव बिलोंग करते हैं और प्रत्याशी भी, उनकी दौड़ में भी उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। इसी को मद्देनजर ये दौरा जो जनसंवाद कार्यक्रम सीएम ले रही है और सारे मंत्री और सभी विधायक मैडम को दिखा रहे हैं कि सभी में एकता है और एक तरह से माहौल बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर काफी उत्साह है। पूजा जी, चंद्रशेखर, सीएम राजे लगातार वहां दौरा कर रही हैं, तो इसको कितना बीजेपी के पक्ष में माना जाए? बिल्कुल, जो सीएम का हर विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसे माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सरकार इन चुनावों को लेकर बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं रह जाए, इसको लेकर उन्होंने डेट तय नहीं हुई है निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव की, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर बेहद गंभीर है और यह तय करना चाहती है कि कैसे भी हो पार्टी की इनमें जीत हो और सरकार की जो 3 साल का कार्यकाल निकल चुका है, 3 साल के कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं सरकार ने लागू की है उनका फीडबैक भी इन जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लिया जा रहा है। जी चंद्रशेखर, अलवर के चुनावों में कहीं ना कहीं डॉक्टर जसवंत और उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है, तो इसको लेकर क्षेत्र में क्या कुछ सरगर्मियां हैं? बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हालांकि निर्वाचन विभाग की ओर से उपचुनाव की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव और उनके बेटे मोहित यादव की ओर से पार्टी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। अधिकांश विधानसभाओं को दोनों मंत्री और उनके बेटे ने पूरी कर ली है, लोगों के साथ जनसंपर्क में है, कार्यकर्ताओं से मिलना उनका
सतत जारी है। ये जी हम कह सकते हैं कि जो अलवर में नजारा देखने को मिल रहा है, जो माहौल बन रहे हैं प्रत्याशियों को लेकर, जी इनमें श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, उनके बेटे मोहित यादव सबसे आगे दौड़ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही कार्यकर्ताओं से जी मिल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रकार इन दोनों की ओर से मेहनत की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों बाप बेटों के बीच में ही कहीं टिकट की दौड़ चल रही है। जी पूजा, चंद्रशेखर बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे इवेंट संवाददाता चंद्रशेखर, जिन्होंने हमें इस समय चुनावी रण बने अलवर की जानकारी दी कि किस तरह से वसुंधरा राजे प्रदेश की मुख्यमंत्री वहां पर लगातार दौरे कर रही हैं और चुनावी सरगर्मियां वहां पर तेज नजर आ रही हैं और लगातार बूथ स्तर पर जनसंवाद किए जा रहे हैं, लोगों से बात की जा रही है, मतदाताओं की नब्ज यहां पर टटोली जा रही है कि आखिरकार जनता के दिल में क्या है, वो जाति क्या है।